लेकर बीड़ी चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। दो, एक हैं जी हीरा और दूसरा है माय बिलव्ड फ्रेंड मॉस। सो आज हम लोग बहुत ही मजे की और एक्साइटमेंट चीज करने वाले हैं। वो क्या है कि एक चैलेंज हम लोग करेंगे, ठीक है। उस चैलेंज में जो बंदा हारेगा उसका हम लोग करने वाले हैं मेकअप, राइट? यू गाइस आर रेडी फॉर दिस, राइट? अच्छा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लड़की, मुझे आप जितना मर्जी मेकअप लगा देंगे फर्क नहीं पड़ता। मजा तो तब आएगा जब इन दोनों में से किसी पे आएगा। जानने के लिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो में। यस, तो हम गेम बहुत आसान से खेलेंगे। हम खेलेंगे वो, जैसे इसको क्या कहते थे, पुगन पुगाई खेलेंगे। और जिसका दो का सेम आ जाता है और तीसरे का डिफरेंट आता है, तो वो तीसरा वाला हार जाता है और वो तीसरे वाले के ऊपर मेकअप होगा। प्लानिंग नहीं करनी। ओके, 3, 2, 1 एंड गो। समझ रहे हो? ये हाथों की लकीरों में आ रहा है कि आज इनका मेकअप होना है। जिसका चैनल और उसी की हो जाए ना, तो ये मस्ट होता है। मैं सोचा हम लोग दोबारा करें, आई थिंक से ये ठीक नहीं हुआ। ओके, आ जाओ। 1, 2, 3 एंड गो। हम लोग चैलेंज चेंज कर सकते हैं कुछ? आई डोंट नो। अच्छा, मैं आप लोगों को आज बहुत ही अपनी जो प्रोडक्ट्स है उनका रिव्यू भी साथ दूंगी। मैं लेके आई थी ये बाहर से, जाया होने वाली, लेकिन खैर है, चलो। अच्छा गाइस, हम लोगों का सबसे अच्छा जो है वो ये भी था कि हम लोग इसमें मेकअप टेक्निक्स भी बताएंगे और हेरा प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाएगी, स्पेसिफिकली जो अच्छी मेकअप टर्म्स होती हैं। वैसे भी मेरी जो पब्लिक है वो बार बार जानना चाह रही थी कि आप अपना मेकअप ट्यूटोरियल दें, ठीक है। तो वो मैं अपना तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये जरूर करवाऊंगी कि मैं कौन कौन सी जो है प्रोडक्ट यूज करती हूँ नॉर्मल लाइफ में। सबसे पहले फेस पे जो स्वेटिंग है उसको हटाएंगे। पसीना आ गया। मौज आज मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर मौज बनाएंगे तो वो फिर कोई और ही दुनिया का मेकअप होने वाला है। तो सबसे पहले है मेरे पास प्राइमर और ये है YSL का। आई एम सॉरी, ओके, ज्यादा नहीं यूज करते वैसे भी। आप देख सकते हैं कि उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो मेरे से आप नहीं कर सकते। अब मेरा प्राइमर जाया हो गया। क्या करना होता है, आपकी स्किन जो है ना वो, उसको मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर लगाना चाहिए। सबसे पहले वैसे टोनर लगाते हैं, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है अभी। मॉइस्चराइजर होता है इसमें, है ना? ये मॉइस्चराइजर भी होता है, प्राइमर जरूर लेके आएंगे अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो। ओके, ये डिपेंड करता है। सो गाइस, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट मेकअप हम लोग किसका करेंगे, अगर आप हेरा के करवाना चाहते हैं, बट वो डिमांड के ऊपर होगा। अगर आप लोग जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे उसकी वजह से ही हम लोग बंदा सिलेक्ट, मतलब जो नेक्स्ट हमारा, ये तो बताओ कि क्या है। ये हमारे पास आ गया कंसीलर और ये है रेयर ब्यूटी का। और मैं रेयर ब्यूटी और हुदा ब्यूटी का ना, ब्यूटी इन दोनों को मैं अक्सर ना स्टार्ट में हल्का सा ये लगाती हूँ और लास्ट में वो लगाती हूँ, ठीक है। वैसे हमारे जो आज के मॉडल है उनको ज्यादा जरूरत नहीं है मेकअप का, था अभी गो के कि मैं ये यूज करूंगी, लेकिन किस्मत तो अभी हम इसको, वैसे मैं जो नॉर्मली यूज करती हूँ उसके अंदर मैं इतना ज्यादा बैठ नहीं रखती इसको। फैमिली में भी लगता था, मैंने एक दो दफा इनको फेस वॉश करके दिखाया, वो मुझे हमेशा ही बोलते थे कि आप जब भी कैमरा में आते हैं ऐसा लगता है आपने कुछ लगाया हुआ है, आपने मेकअप किया हुआ है। फाउंडेशन उनका हम करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे पहले उनको आपस में, जैसे लड़कियों की लैंग्वेज में मिक्स करके, अक्सर हम लोग मिक्स करके शेड्स को। तो हमारे पास ये है नार्स की और ये है शनल की, ये दोनों जब हम मिक्स करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट्स, अच्छा उसके बाद हम इन दोनों को मिक्स करके इनके फेस का जो कलर है उससे हम इनको लाइट कलर नहीं दे सकते, हम इनको थोड़ा डार्क देंगे ताकि ये हमारी तरह लगे। अच्छा, ये सब चीजें मुझे लगता है मेरी स्किन के लिए बनी हुई है। यस, ताकि आप थोड़े नॉर्मल इंसानों की तरह लगे। डू आई लुक लाइक वैम्पायर्स? यस एग्जैक्टली, एलियन काइंड ऑफ। बस एलियन गोरे रंग की डिमांड है पूरे एंजनी मेरे से, मेरे जेडे YouTube फैमिली में लाइक कर। गाइस, अगर आपको मेरी पंजाबी लैंग्वेज अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए था कि तैयार करवा के बाहर लेके जाए, तो उसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है कि वो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल ऐसे मिक्स एंड मैच हो जाए। जो उभरी भी आती है ना, वो अक्सर आप क्या करते हो, हाथों से इसे मल देते हो, जैसे मैंने आज मली थी, हाथों से मल देते हो, उससे क्या होता है कि वो आपके हाथ पे लगी है, जरा मुझे दिखाना। गाइस, अभी हम मुआज का भी मेकअप करेंगे ऐसे, मैं पीछे, मैं अकेला के पीछे रहूंगा।
लड़कियों वाली लुक नहीं देना चाह रही. हाँ मैं इनको लड़कियों वाली लुक नहीं देना चाह रही. ऑफ कोर्स अब इनके भी फैंस होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इनको वो लुक दे रही हूँ जो मॉडल्स की होती है. लेकिन मेकअप तो होता है, लड़के जितना कहते हैं ना मेकअप ने मेकअप, लड़कियां मेकअप करती है, लेकिन जितनी फील्ड में चले जाओ सारे लड़के मेकअप करते हैं. हम भी सिंगल रह गए नहीं तो यहाँ पे तो इनके लिए भी सेटिंग पर बात नहीं करते. मैं तो ये सोच रहा था मैं पार्लर वाली बाजी को कहूं बाजी एंजनी मैनू एंजना मेकअप चाहिए और ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट है. उसके अलावा मैंने ये काशीस की लगाई थी अभी. नहीं ये हम अपनी मर्जी से तवज्जो से कर रहे हैं, हम आपको बुरे हालत में नहीं दिखा रहे. नहीं तो आप हमसे चैलेंज हार रहे हैं. आपको इससे लड़कों का मेकअप है, अगर किसी लड़की को आप मेरे पास लेके आते तो मैं भी ज्यादा अच्छा हो जाता. अच्छा इनकी जो ये इसको क्या कहते हैं भवे आईब्रोज है ना, इनको जरूरत नहीं है ये लगाने की. लेकिन हम हल्का सा यहाँ पे लड़कियों का मैंने भी अभी नहीं बनाई. पास है आई शेडो. हम चाहते हैं ये अपने फैंस को दोबारा मुंह दिखाने. ऐसे नहीं हो सकता मैं ऐसा मेकअप करूँ, मैं आंखें खोलूँ मैं ऋतिक रोशन बन जाऊँ. हो सकता है बाकी सर्जरी करवानी पड़ेगी. खोले जैसे अभी अभी आपने भांग पी है. नहीं हल्की सी खोल दे बहुत ही क्यूट लग रहा. और ये वाला माय फेवरेट शेड है, लेकिन हम इनको ब्राउन में लेके जाएंगे. अगर मुझे ना होती तो मैं इसको बड़ा कर सकती थी. ये बस एंड पे जो लिपस्टिक लगी है मौज, मुझे पीछे से टिश्यू देना क्योंकि हमने बहुत ही लाइट मेकअप किया था. तो लिपस्टिक हम लोगों ने थोड़ी सी हटा दी क्योंकि दैट वाज प्रीटी डार्क, तो वो सूट नहीं कर रही. ये है रेयर ब्यूटी का टर्किश मॉडल, राइट? यस एग्जैक्टली. सेटिंग स्प्रे यूज करती हूं जो कि बहुत 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 अच्छा है. सो गाइस हमने सोचा क्यों ना क्लोजअप भी दिखा दिया जाए. तो देखिए कितना डिसेंट लग रहा है, जरा भी ओवर नहीं लग रहा. मतलब जो मूवीज में एक्टर्स आते हैं ना वो इतना मेकअप करते ही करते हैं. ये नहीं है कि इन्होंने किया किसी ने किया किसी ने किया, इतना मेकअप नॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामा इंडस्ट्री में होता ही होता है. बहुत अच्छा मेकअप किया बिकॉज लाइक मैं हार चुका था और मुझे लग रहा था कि ये लोग जो है मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं. बट चल लाइक मेरी इज्जत बचा ली. आपको मेकअप पसंद आया तो आप हीरा ब्यूटी सलोन में आ सकते हैं. जरूर मैं कल इधर दो कुर्सियां रख दूंगी तो और मेरा पार्लर बन जाएगा. So guys, hope you enjoyed the video as well. So, मिलते हैं अगली कुछ वीडियोस में. देखते रहिए और बेकर ब्यूटी को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए. तो इजाजत दीजिए हम दे ब्रार को. सब्सक्राइब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.